ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये अपने आप में कई सवाल पैदा करती हैं। एक अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरह से मरीज के परिजन लूट रहे हैं, ये भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां एक अस्पताल में जैसे ही एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा, मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लूटना शुरू कर दिए। किसी के हाथ एक सिलेंडर लगा तो किसी के हाथ दो, कोई ज़मीन पर खींचते हुए लेके गया तो कोई कंधे पर लेकर भागता हुआ नजर आया, और कितने लोग ऐसे रहे कि जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिला ही नहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से साफ मना कर दिया, और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर अपने मरीज के पास ले जाकर रख दिए। हालांकि इस कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों की व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है, किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो किसी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक अस्पताल से मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लूट कर अपने मरीजों के पास रख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में सबसे बड़े सवाल पैदा करती हैं। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिया और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिया, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ़ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे।